Everyone, welcome back to the computer technology channel. Guys, again I'm continuing the playlist of web technology. This is my ninth video lecture on web technology, or I can say that on web designing. So guys, last video lecture mein hum logon ne discuss kiya tha theoretical part of the form. Form kis tarike se banta hai, kaun kaun se controls usme hote hain. That I had discussed in the 8th video lecture of web technology. So today I'm going to take a practical examples of the form. Right guys? So chaliye start karte hain. Don't waste too much time. Let's start the topic. First slide ko dhyan se dekhiye. Coding part of student form. Designing input by using during run time. Is cheez ko dhyan se samajhiyega guys. Coding part of the student form. I am designing a simple student form input by user. Input होना चाहिए user के द्वारा. कब? जब आप web form को run करें. During run time. ऐसा form हम लोग बनाएंगे कि आपके form में already data display नहीं होना चाहिए. Data आपका run time पे user खुद enter करे. ऐसी हम coding बनाएंगे by using the HTML form controls. Right guys? तो चलिए coding part की तरफ चलते हैं. सबसे पहले आ गया हमारा ये देखिए कोडिंग पार्ट. HTML टैग को स्टार्ट किया, हेड में लिखा स्टूडेंट फॉर्म, वो आपका उसमें आ जाएगा आपके किस में. एक मिनट में इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ. ओके अब ठीक है. स्टूडेंट फॉर्म किस में लिखा हुआ आएगा गाइस, आपके पेज के ऊपर. बोल्ड किया है ऑफकोर्स, बोल्ड लेटर में आएगा. लाइन ब्रेक किया है 2 टाइम्स. आपके फॉर्म का जो डाटा है और स्टूडेंट फॉर्म जो लिखा हुआ आएगा उसमें थोड़ा सा गैप आएगा. टाइटल में मैंने लिखा है डिजाइनिंग ऑफ फॉर्म इन HTML, ये आपका टाइटल टूल बार में आएगा. बॉडी बीजी कलर इक्वल टू पिंक, इसका मतलब है कि आपके जो वेब पेज का कलर है वो पिंक आएगा. फॉर्म बनाने जा रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ फॉर्म टैग हेयर. फॉर्म टैग का इस्तेमाल करते हुए फॉर्म इनपुट बॉक्स में एक बनाने वाली हूँ. किसके आगे बना होना चाहिए इनपुट बॉक्स? नेम मैंने यहाँ पे लिखा है, नेम के आगे इस तरीके से बॉक्स बना होना चाहिए. तो नेम के आगे मैंने इनपुट कोडिंग किया. इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, साइज 5 ले लिया, कितना साइज होना चाहिए उसका, और लाइन को ब्रेक कर दिया 2 टाइम्स ताकि नेक्स्ट जो आपकी फील्ड आए उसके बीच में थोड़ा गैप आए. अगेन रोल नंबर लिया, इसमें भी मैंने इनपुट बॉक्स को बनाया है. देन क्लास लिया, क्लास के आगे भी मैं चाहती हूँ कि इनपुट बॉक्स बना होना चाहिए. देन दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, साइज इसका 2 लिया क्योंकि क्लास मैक्सिमम 2 या 3 डिजिट्स की आपके पास होगी. बी आर लाइन को ब्रेक किया, फिर अगेन बोल्ड टैग इस्तेमाल किया. कैटेगरी अगेन ब्रेक किया, ब्रेक किया, बोल्ड टैग को क्लोज किया. देन कैटेगरीज में आपने दोबारा जर्नल, ओबीसी, ये सब कुछ लिया. लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, जो जर्नल कैटेगरी है उसके आगे क्या होना चाहिए, एक रेडियो बटन बना होना चाहिए. तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, और नेम देखिए मैंने सेम रखा है. मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल पार्ट में कि अगर आप वैल्यू या नेम जो है इसका सेम रखेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो ऑप्शन बटन है वो एट ए टाइम एक ही सिलेक्ट होगा ड्यूरिंग द रन टाइम. 3 रेडियो बटन्स मैंने यहाँ पे बनाए, ओबीसी, एसटी, एससी, 4 बनाए एक्चुअली, जर्नल, ओबीसी, एसटी, एसडी, रेडियो, रेडियो, ठीक है. फिर उसके बाद हॉबीज वाला सेक्शन लिया, इसमें मैंने चेक बॉक्सेस बना लिए, ठीक है, और मैंने ऑलरेडी चेक नहीं किए हैं, सिंपली मैं चाहती हूँ रन टाइम पे चेक होने चाहिए, ठीक है. तो मैंने कितने यहाँ पे चेक बॉक्सेस बनाए हैं, 3, रीडिंग के आगे, सिंगिंग के आगे, प्लेइंग के आगे, ठीक है. फिर अगेन लाइन को ब्रेक किया, बोल्ड टैग इस्तेमाल किया, एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट स्कूल, यानी कि स्टूडेंट जो है वो कौन से स्कूल में पढ़ता है उसका एड्रेस मैंने डिस्प्ले करना है. तो वो एड्रेस आपका एक लाइन में तो आएगा नहीं, 3 या 4 लाइंस का होगा. तो यहाँ पे मैंने क्या इस्तेमाल किया गाइस, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है टेक्स्ट एरिया वाला जो कंट्रोल था. रोज ले ली, कॉलम्स ले लिए, टेक्स्ट एरिया टैग को क्लोज कर दिया, लाइन को ब्रेक किया, और उसके नीचे एक सबमिट बटन आना चाहिए बना हुआ. तो इनपुट टाइप इक्वल टू बटन और वैल्यू उसमें सबमिट लिखी होनी चाहिए. नेम वाला जो यहाँ पे यूज़ किया है ना, यहाँ पे अभी इसका कोई इस्तेमाल नहीं है. जब आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ोगे वहाँ पे आप इस चीज़ को सीखोगे कि नेम से क्या होता है, ठीक है. फिलहाल आपने अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे नेम वाले एट्रीब्यूट को तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंपल बटन आपका आ ही जाएगा बना हुआ, बिकॉज अभी हम सिर्फ डिज़ाइनिंग पार्ट को ले रहे हैं, ठीक है. और उसके बाद हमने
फॉर्म टैग को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज कर दिया, राइट गाइस। अब इसका आउटपुट देखेंगे, आउटपुट ऑफ द स्टूडेंट फॉर्म, ठीक है। तो ये फॉर्म आपके पास बन के आएगा, ये देखिए ध्यान से कितना सुंदर फॉर्म बन के आया है। डिजाइनिंग ऑफ HTML फॉर्म, फॉर्म इन HTML, ये आपने टाइटल में लिखा था, टाइटल में आ गया। स्टूडेंट फॉर्म हेड टैग में लिखा था, बोल्ड किया था, आ गया। इनपुट बॉक्स बनाया था, साइज आपने 5 इतना लिया था, जितना आपने साइज स्पेसिफाई किया होगा उसके हिसाब से इसकी लेंथ आएगी, ठीक है। फिर कैटेगरी आ गया, ऑप्शन बटन, ये आपके ऑप्शन बटन आ गया जहाँ पे आपने इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिया है। हॉबीज़ में आपने चेक बॉक्सेस लिए हैं, चेक बॉक्सेस बन के आए। एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट स्कूल, स्टूडेंट के स्कूल का एड्रेस आपने टेक्स्ट एरिया बनाया है, तो इस तरह से बॉक्स आ गया और बटन बनाया है सबमिट का, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म बन के आएगा, ब्लैंक फॉर्म, क्योंकि हम रन टाइम पे इसको रन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करके देखना चाहते हैं तो आप अपने टेक्स्ट एडिटर में कोडिंग को करके देखिए, वेब ब्राउजर में उसका आउटपुट देखिए। जब आपका ये फॉर्म रन होके आएगा तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, टाइपिंग कीजिए, पूरा आपका एक्सेप्ट करेगा डाटा को, ठीक है। अभी डाटा आपका स्टोर नहीं होगा, जस्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, क्योंकि अभी आपने उसको सर्वर से कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है गाइज। अब हम, ये तो था जैसे मैंने आपको बताया कि रन टाइम पे अगर यूज़र को डाटा एंटर करना हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऑलरेडी डिस्प्ले होना चाहिए, बस हल्का सा चेंज है, बाकी सेम है। कोडिंग पार्ट ऑफ फॉर्म व्हेन इनपुट ऑलरेडी इन फॉर्म, इनपुट जो है आपके फॉर्म में पहले से ही होना चाहिए, नॉट इन रन टाइम, रन टाइम पे नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, सेम कोडिंग है गाइस, बस हल्का सा चेंज है। वो चेंज ये है कि यहाँ पे जहाँ पे आपने इनपुट बॉक्सेस बनाए हैं वहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हुए ऑलरेडी ही आपने वैल्यू को डिस्प्ले कर देना है। जैसे वैल्यू इक्वल टू विकास, नेम वाली फील्ड में मैंने पहले से ही विकास शो कर दिया। रोल नंबर वाली फील्ड में वैल्यू इक्वल टू 1, पहले से रोल नंबर लिखा हुआ आएगा। क्लास वाली फील्ड में वैल्यू इक्वल टू 10, ऑलरेडी उसमें क्लास डिस्प्ले होगी, ठीक है। और बाकी कोडिंग आपकी सेम रहेगी। और अगर इनपुट बॉक्स भी अगर आप पहले से सॉरी जो आपके चेक बॉक्सेस हैं आप चाहते हैं कि पहले से चेक होने चाहिए, तो आप यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू चेक्ड कर सकते हैं, तो ऑलरेडी वो चेक करके आएंगे, ठीक है, राइट गाइस। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारी की सारी कोडिंग सेम है। सिर्फ आपने जो इनपुट बॉक्सेस बनाए हैं, अगर आप चाहते हैं कि उन इनपुट बॉक्सेस में पहले से ही वैल्यू डिस्प्ले होके आनी चाहिए, तो आपने क्या करना है, इनपुट बॉक्स वाली कोडिंग जहाँ पे की है उसके कोडिंग वाले सेक्शन में एट्रीब्यूट वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को वहाँ पे टाइप कर देना है। जब आप फॉर्म को रन करेंगे उसमें ऑलरेडी ही आपका डाटा डिस्प्ले होके आएगा, राइट गाइज। ये देखिए, वैसी बाकी सारी कोडिंग सेम है आपकी, बटन्स वगैरह सब, ठीक है। आउटपुट इफ डाटा ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फॉर्म, अगर डाटा आपका ऑलरेडी ही फॉर्म में प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट कब होगा, अगर आपने कोडिंग में ही सारी चीज़ें स्पेसिफाइड कर दी हैं, तो ये देखिए ये डाटा या ये फॉर्म आपके सामने डिस्प्ले होगा। डिजाइनिंग ऑफ फॉर्म इन HTML, स्टूडेंट फॉर्म बनेगा, ऑलरेडी मैंने वहाँ पे इनपुट बॉक्स में विकास वैल्यू एट्रीब्यूट दिया था, रोल नंबर दिया था, क्लास और ऑप्शन चूज कर लिया आपने रन टाइम पे, और अगर आपने उसको भी चेक्ड कर लिया तो वो ऑलरेडी चेक किया हुआ आएगा, अगर नहीं है तो आप रन टाइम पे कर सकते हैं। और एड्रेस डिस्प्ले आप चाहे तो रन टाइम पे वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। अभी सबमिट नहीं होगा, बिकॉज अभी मैंने इस फॉर्म को किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं किया है। वी आर जस्ट डिजाइनिंग अ सिंपल फॉर्म बाय यूजिंग सम वेरियस कंट्रोल्स ऑफ द HTML, राइट गाइज। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि HTML में फॉर्म्स किस तरीके से बनाते हैं। अभी तक जस्ट हमने इनपुट बॉक्स बनाना सीखा, ऑप्शन बटन या रेडियो बटन्स बनाना सीखे, चेक बॉक्सेस बनाना सीखे, टेक्स्ट एरिया बनाना सीखा और बटन्स बनाना सीखे। और भी कंट्रोल्स होते हैं फॉर्म में, जैसे कॉम्बो बॉक्सेस होते हैं और भी बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, वो अभी हम बनाएंगे धीरे धीरे इन माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। तब तक के लिए आप इन वीडियो लेक्चर्स को देखिए, कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोज़ को व्यू कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोफिकेशन सॉरी फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।